तो जल्दी पहुंचने के लिए ट्रैक्टर में बैठ चुके हैं हम लोग। चलिए ट्रैक्टर का भी आनंद लीजिए और इसके साथ जौनपुर स्टेशन पे आ गए हैं। ट्रेन बहुत राइट टाइम से चल रही है और भीड़ की तो उम्मीद मत करिए कि कितनी है, गिना नहीं जा सकता। और ट्रेन एकदम राइट टाइम से चल रही है। बाकी हम लोग भागा दौड़ी के साथ ट्रेन को पकड़े हैं, वो भी मैं आपको जौनपुर से ट्रेन निकल चुकी हम लोग सुल्तानपुर रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं। ट्रेन अपने एकदम राइट टाइम से चल रही है। बाकी भीड़ का उम्मीद ना के बराबर है, इतनी भीड़ है कि ट्रेन में जगह बैठने के लिए नहीं, बैठने की क्या बात कर सकते हैं कि चढ़ने के लिए जगह नहीं मिल रही है। रुके, मैं आपको भीड़ को भी देखा। पहुंच चुके हैं चारबाग स्टेशन पर और ट्रेन अपनी रही करीब 20 मिनट के लगभग लेट रही। बाकी पहुंचा दी ट्रेन लखनऊ। और बाकी अगर कोई वाराणसी से लखनऊ आना चाहता है तो उसके लिए सबसे बेस्ट ट्रेन है शटल एक्सप्रेस, जो आपको सुबह 6 बजे बनारस मिलेगी और करीब 10:10 उसकी टाइमिंग है। अभी आज फ़िलहाल हम लोग को करीब 10:30 पर पहुँचाया है लखनऊ। बाकी एक नंबर की ट्रेन है जो आपको 4-4.5 घंटे में पहुंचा देगी। इसके अलावा किसी और ट्रेन को लेते हैं तो करीब वो आपको 8-9 घंटे ऐसे पहुंचाएगी। बाकी आपको वाराणसी से लखनऊ आने के लिए, नवाबों के शहर में आने के लिए सबसे बेस्ट ट्रेन। हम लोग चारबाग आ चुके हैं और चारबाग से आगे बढ़ रहे हैं अपने गंतव्य मार्ग पर। तो चलिए आपको भी दिखाते हैं बड़ा इमामबाड़ा। के लिए जा रहे हैं मेट्रो पकड़ के, करीब हम जाएंगे विभूतिखंड। अभी फ़िलहाल विभूतिखंड में थोड़ा सा काम है, काम करने के बाद उसके बाद आगे जाएंगे हम लोग। आ गए हैं चारबाग मेट्रो स्टेशन पर और लगभग 40 रुपये का फेयर लगा है हम लोग को इंदिरा नगर जाने के लिए। इंदिरा नगर में अपना काम है, काम करने के बाद तब हम लोग वहाँ से जाएंगे इमामबाड़ा की तरफ। तो चलिए अभी मेट्रो आती है तो मेट्रो का भी टूर कराते हैं आपको। गुड इवनिंग, कैसे आप लोग? तो जो अपना काम था वो अपना काम हो गया है, तो चलिए घूमने के लिए अब स्टार्ट करते हैं। चलिए लखनऊ का टूर आपको कराते हैं। तो अभी बात हुआ तो पता चला कि इमामबाड़ा हो सके 6 बजे तक बंद हो जाती है, तो देखते हैं अगर इमामबाड़ा खुला रहेगा तो हम आपको इमामबाड़ा का टूर कराते हैं। बाकी अगर इमामबाड़ा बंद रहेगा तो अम्बेडकर पार्क का आपको टूर कराते हैं। तो चलिए चलते हैं, बाकी हम आपको रोड का भी टूर कराते हैं। उसके बाद अगर इमामबाड़ा खुला रहेगा तो इमामबाड़ा का टूर कराते हैं, नहीं तो फिर अम्बेडकर पार्क का। तो चलिए चल, रोड पर आ चुके हैं अम्बेडकर पार्क के लिए। ई रिक्शा या ऑटो देख रहे हैं, अगर ई रिक्शा या ऑटो मिल जाता है तो फिर उसी के साथ हम लोग चलते हैं। बाकी अगर जो भी मिल जाता है वो हम आपको बताते हैं कि ई रिक्शा से या ऑटो से चलते हैं।
उसका क्या फेयर क्या है क्या नहीं है सारा चीज़ बताते हैं हम आपको। तो चलिए चलते हैं अम्बेडकर पार्क। बाकी आपका इमामबाड़ा बंद तो हो चुका है, शनिवार को 6 बजे तक रखती है, बाकी सारे दिन 5 बजे तक सकती रहती है। तो बाकी चलिए हम चलते हैं अम्बेडकर पार्क की तरफ। अगर अम्बेडकर पार्क की क्या एक फेयर है वो हम आपको बताते हैं। हम लोग पहुंच चुके हैं अम्बेडकर पार्क, ये रहा अपने पीछे अम्बेडकर पार्क। तो चलिए जैसा भी फेयर का क्या फेयर रहता है और क्या टाइमिंग रहती है सुबह से लेकर शाम तक की सारा चीज़ अपडेट करते हैं। बाकी अम्बेडकर पार्क का मैं एक बार फेयर ले लेता हूँ तो मैं उस हिसाब से आपको अपडेट करता हूँ। तो चलिए चलते हैं अम्बेडकर पार्क के अंदर। हम लोग आ चुके हैं अम्बेडकर पार्क के अंदर। बाकी अभी हम लोग जा रहे हैं टिकट कटवाने के लिए। बाकी ये रहा अपने पीछे का नज़ारा, ये अपना चल रहा फाउंटेन पीछे इधर इस साइड में। बाकी इधर इधर रहा एंट्री का गेट और बाकी इस साइड में हम लोग चल रहे हैं, उधर रहा टिकट का काउंटर, वो रहा टिकट का काउंटर। टिकट अभी हम वहाँ से लेते हैं, क्या फेयर है क्या नहीं है वो सारा चीज़ आपको अपडेट किया जाता है अभी तुरंत। ये रहा टिकट काउंटर, यहाँ से अभी हम लोग टिकट लेते हैं। बाकी जैसे हमने आपको पहले बताया कि क्या टिकट क्या फेयर है क्या नहीं है सारा चीज़ आपको अभी तुरंत अपडेट किया जाता है। हम लोग टिकट कटवा चुके हैं। टिकट कटवाने के बाद जैसा पता चला है कि 15 रुपये पर पर्सन टिकट है यहाँ पे। तो मैं आपको टिकट का भी अपडेट कर दे रहा हूँ। ये रहा टिकट का फेयर, 2 पर्सन 15 रुपये पर पर्सन, 30 रुपये 2 लोगों का। तो चलिए चलते हैं अम्बेडकर पार्क के अंदर। अम्बेडकर पार्क के अंदर का आपको नज़ारा दिखा। ये रहा अम्बेडकर पार्क का एंट्री का गेट, यहाँ पे गार्ड साहब है जो आपके टिकट का चेकिंग करेंगे। इसके बाद ये अंदर का जो नज़ारा है वो आप इसके बाद देखेंगे। तो चलिए गार्ड साहब को टिकट दिखाते हैं, उसके बाद एंट्री करते हैं। हम लोग आ चुके हैं अम्बेडकर पार्क के अंदर। ये यहाँ का एंट्री गेट है और ये हम लोग चल रहे हैं। बाकी मिसेज मायावती का वो बोर्ड, और ये रहा पार्क के अंदर का नज़ारा चारों तरफ का, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। एंट्री करने के बाद बहुत ही सुकून भरा नज़ारा रहा देखने को मिला है, जिसे कहते हैं पैसा वसूल। एक तो नवाबों की नगरी में नवाबी के साथ आपको पैसा वसूल पार्क देखने को मिलेगा, तो वो है अम्बेडकर पार्क। जो ये आपको चारों तरफ का नज़ारा रहा हमारे पीछे, ये आपको देखने को लिए मिल रहा है। बहुत ही ज़बरदस्त नज़ारा है, एक बार आप ज़रूर आइए नवाबों की नगरी में, और उसके बाद अम्बेडकर पार्क में ज़रूर विज़िट करिएगा। अम्बेडकर पार्क का नज़ारा एक बार तो देखिए, देखने के बाद आपको महसूस होगा कि हाँ कोई जन्नत है तो अम्बेडकर पार्क में है। एक बार चारों तरफ का नज़ारा देखिए, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। हमारे पीछे देखिए, ये जो पिलर है वो एक नंबर की पिलर है ये सब। You are my lucky charm, I hold you close in the night in my arms, and when we open
my worries fade away. Cause you gave me your heart in the light of day, in the light of day. का लफ्जों से बयां करने वाली चीज नहीं है, एक बार आप अपनी आंखों से देखेंगे, जिन्हें कहते नग्न आंखों से, बिना किसी चीज के, सिर्फ आंखों से जब आप देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि अंबेडकर पार्क है क्या चीज। ये रहे हमारे सामने भीमराव अंबेडकर साहब, आप भी देखिए बाबा साहब को। ये रहा उनके पीछे का नज़ारा। ये रहा बाबा साहब के पीछे का नज़ारा, जो अपने संसद भवन का डिज़ाइन है वो चारों तरफ दिया गया है, आप एक बार देख सकते हैं। बाकी बीच में रहे अपने बाबा साहब, एक बार उनको देख लीजिए। और बीच में पेड़ है, बाकी चारों तरफ सिंधी का नज़ारा दिया गया है, एक बार उसको देख लीजिए। और इधर रहा हाथियों के साथ फाउंटेन, जो फाउंटेन बहुत खूबसूरत है, एक बार अवश्य, मैं कई बार बोल चुका हूँ वीडियो में कि एक बार अवश्य आप अंबेडकर पार्क को विज़िट ज़रूर करिए। अंबेडकर पार्क को विज़िट करेंगे तभी आपको अंबेडकर पार्क का नज़ारा क्या चीज़ है। एक बार दिन में आइए, दिन के बाद जब नाइट में लाइट जलेगी, लाइटिंग का नज़ारा देखिए, तब आपको पता चलेगा कि अंबेडकर पार्क है क्या चीज़। तो एक बात ज़रूर अवश्य पता रही है। रहा बाबा साहब के पीछे का नज़ारा, जो संसद भवन का डिज़ाइन दिया गया है, बहुत ही खूबसूरत देखने में दिख रहा है। अब हम लोग अंबेडकर पार्क से बाहर निकलने के लिए तैयारी कर चुके हैं। ये रहा अंबेडकर पार्क का नज़ारा, यहाँ पर रहीं सुश्री मायावती और उधर रहे अपने बाबा साहब अंबेडकर साहब। और यहाँ से अब हम लोग निकल रहे हैं और अपना जो सफ़र रहा वो लगभग यहीं तक रहा। बाकी मैं बाहर निकल के एक बार मैं आपको अगला कौन सा वीडियो आने वाला है मैं उसका आपको एक बार अपडेट देता हूँ। अपडेट देने के बाद ये वीडियो वहीं पर समाप्त होती है। तो चलिए अब हम निकलने की तैयारी करते हैं। हम लोग पार्क को घूमते हुए पार्क के एग्ज़िट पॉइंट पे आ चुके हैं। ये रहा एग्ज़िट पॉइंट और पार्क बहुत ही खूबसूरत रहा। हमारा जो रिव्यू रहेगा वो 10 आउट ऑफ 10 में से 8 नंबर दिया जाएगा। तो एक बार आप लोग भी आइए, पार्क को देखिए, पार्क का नज़ारा लीजिए। आप आ चुके हैं अंबेडकर पार्क के बाहर, वो रहा एंट्रेंस गेट और अपना सफ़र यहीं तक रहा। बाकी अपना अगला वीडियो उम्मीद करते हैं कि गंगा के घाट का किनारा रहेगा। तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। बाय बाय।